वेलकम टू माय चैनल पासा के चैनल। तो हम आपके लिए लेके एक खास वीडियो, जिसमें होता है कि आपको पता है कि हमसे बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का रिजल्ट आ गया है। उसके बाद काउंसलिंग प्रोसेस के लिए, काउंसलिंग कैसे करें, क्या करना है, तो सब कुछ। तो सबसे पहले एक चीज़ बता दें कि आप साइट पर देख सकते हैं, वहाँ पर दिया है कि आपको ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है जो 17 अक्टूबर 2020 से लेके 22 अक्टूबर 2020 तक आपको सबमिट करना है टिल 5 PM एम्स के वेबसाइट पे। वो भी कैसे सबमिट करना है, तो आपको जो आईडी और पासवर्ड मिल रहा है उसको लॉगिन करके वहाँ पे आपको सबमिट करना है। तो चलिए चलते हैं इसके फुल डिटेल पे, कैसे क्या करना है। तो यहाँ पे चलते हैं एम्स की वेबसाइट पे, जो डाउनलोड करने के लिए पीडीएफ दे रहा है, तो वहाँ पे देखते हैं और पीडीएफ को आपको फुल डिस्क्राइब करके बताते हैं कैसे काउंसलिंग प्रोसेस करना है, क्या करना है। तो वीडियो पूरा देखिए और पूरा डिटेल में यहाँ पर डिस्क्राइब करूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। और वीडियो को भी यार बीच में मत स्किप किया करिएगा, तो बहुत लोगों का आपको कन्फ्यूजन है, तो फिर आप मैसेज करिए, आप पूछ सकते हैं, कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको एक चीज़ बता, आपको पूरी जानकारी चाहिए अच्छे से, तो वीडियो को पूरा देखें। और उससे भी पहले आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर, अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नीचे का बेल आइकन प्रेस कर, ताकि मेरे आगे का जो भी वीडियो आप तक पहुँच सके, आप नोटिफाई हो सके, और वीडियो को लाइक कर लें। और आगे चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। और एक चीज़ और बना, इंस्टा फॉलो तो इंस्टा पर फॉलो कर लें, इंस्टा आई डी मेरा पासा की चैनल, सॉरी सभ्या मेहता, और टेलीग्राम आई डी है पासा की चैनल। तो चलिए गए स्टार्ट करते हैं वीडियो पर, कौन सी प्रोसीजर। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं सर्टिफिकेट पे, आप देख सकते हैं कि चलिए हम चलते हैं साइट पे www.emsexam.org पे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप खुल चुका है एम्स का साइट, और यहाँ पर तीसरे नंबर पे एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का रिजल्ट दिख रहा है। तो वहाँ पर हम क्लिक करते हैं और देन यहाँ पर पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आता है, तो पीडीएफ डाउनलोड करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो साइट खुल रहा है, यहाँ पर नोटिफिकेशन दे रखा है। तो चलिए इसको डिटेल में देखते हैं, और यहीं पर काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत कुछ दे रखा है। तो चलिए गाइस यहाँ पर काउंसलिंग से रिलेटेड डिटेल करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं आपको। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट काउंसलिंग यानी फर्स्ट नोटिफिकेशन जो दे रखा है, ऊपर का देखें तो नॉर्मली 21 अगस्त को एग्जाम हो तो वो चीज़ दिया था, और जो सीट्स मतलब वैलिड हुआ है आपको 4 टाइम से ज़्यादा हुआ है। दूसरे पॉइंट में देखते हैं तो वहाँ पर दिया कि एक्चुअली नंबर ऑफ सीट मतलब फिल हुए मेरी फर्स्ट काउंसलिंग के लिए, ये टोटल सीट है। लेकिन ये ऐसा नहीं कि टोटल मतलब लिस्ट है, डेट मीन जितने बच्चे क्वालिफाई हुए, टोटल सीट मेरिट लिस्ट है, जितना मतलब सीट है वैकेंट उसके 4 टाइम्स ये चीज दिया है। तीसरे नंबर पॉइंट में ये दिया है कि आपको मतलब ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपको वेरिफिकेशन करना है ऑनलाइन सीट, और चॉइस करना है दस द अगर चॉइस फिल करना है तो वेरिफिकेशन करना है आपके अकाउंट मतलब जो आईडी है वहाँ पे। अगर आप नहीं करते तो आपका आपका जो ये है कैटेगरी रैंक है उसको कन्वर्ट करते हैं अनरिजर्व में, अगर अनरिजर्व में होगा तो तब आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। और चौथे नंबर पर जो दिया है कि आपको इस वेबसाइट पे जाके कैंडिडेट आर एडवाइज द वेबसाइट रेगुलरली, मतलब एक चीज़ दिया कि आपको इस साइट पे जाके आपको डेली अपने मतलब जाकर डेली चेकअप करना है, जो भी अपडेट हो काउंसलिंग से रिलेटेड, सीट अलॉटमेंट से रिलेटेड, शेड्यूल से रिलेटेड, डेट से रिलेटेड, सब कुछ यहाँ पर आपको बताया जाएगा, मतलब वहाँ पर अपडेट होते रहे, तो आपको बार बार जाकर वहाँ पर चेकअप करना चेकआउट करना है। और तो फिर ऑफिसर लेटर विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट इज अ ड्यू कोर्स, तो और एंड दिस कैन बी डाउनलोड फ्रॉम द वेबसाइट, नो इंडिविजुअल लेटर विल बी सेंड। तो कोई भी सर जो भी आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, सब ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट करना है आपको, कोई पोस्ट के द्वारा आपको कोई सबमिट नहीं करना है, ना कुछ भेजना है। कैंडिडेट को एडवाइस किया गया कि मतलब क्लियरली वो इंस्ट्रक्शन पढ़ें और ये करें। और एक चीज़ और भी दे रखा है, नीचे दे रखा है, तो हम आपको बताएंगे कि जो भी मतलब आपको सबमिट करना है तो वो आपको अपने साइट पर जाके नहीं इसी साइट पर जाके www.emsexam.org साइट पर जाके और स्टूडेंट पोर्टल खोला है, वहाँ पर आईडी और पासवर्ड खोल के अपने आईडी को और वहाँ पे आपको सब कुछ सबमिट करना है। तो चलिए नेक्स्ट वेरिफिकेशन की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर रोल नंबर सबका रिजल्ट आ चुका है, आप देख सकते हैं कि सबका यहाँ पर रिजल्ट आ चुका है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, तो वहाँ पर देखते हैं जिससे मतलब काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत सारे लोगों को डाउट है कि फिर से लिस्ट आएगा, तो उससे यहाँ पर क्लियर करते हैं। आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट में दिया है कि दिस इज नॉट कंप्लीट लिस्ट फॉर ऑल कंट्री डेट हु हैव क्वालिफाइड इन द एग्जाम, यानी जो क्वालिफाइड हुए एग्जाम उनको बहुत सारे लोग हैं जो क्वालिफाइड हो चुके हैं यानी कट ऑफ को पार कर चुके हैं, लेकिन ये सबका लिस्ट नहीं, ये लिस्ट उनका है जिनका मतलब काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, ये चीज़ दिया गया। ऐसा नहीं दिया गया फिर से लिस्ट आएगा, ये चीज़ दे रखा गया, जिसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है।
तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। और ये सब चीज़ देखें किस किस रैंक तक के हाथ में मिले, तो इसका भी अलग से वीडियो भी डाल रखे हैं, और तो वहाँ पर जाकर चेकआउट करें। और उसके बाद नीचे नोटिफिकेशन पर पढ़ते हैं, तो चलिए ये इस नोटिफिकेशन को देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर काउंसिल से रिलेटेड बहुत सारे नोटिफिकेशन दे रखे हैं। तो यहाँ पर पहला जो मेरिट लिस्ट चूज हुआ आपके मतलब प्रोस्पेक्टस में दे रखा था कि कैसे अगर किसी का इक्वल नंबर आता है तो कैसे चूज करते हैं, ये दे रखा है। दूसरे नंबर में ये दे रखा है कि कैंडिडेट को मतलब अपना सब्जेक्ट को फुलफिल करना है, एलिजिबिलिटी कंडीशन को ले डाउन करता है प्रोस्पेक्टस में, जैसे वेरीफिकेशन करना अपना डॉक्यूमेंट को, इंफॉर्मेशन का जो भी मतलब प्रोस्पेक्टस में दे रखा था, जो जो डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, यानी जो मैंने बताया रखा था वीडियो में, तो वो सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। और आपको वेरीफिकेशन करना है इन द एप्लीकेशन फॉर्म एंड वेरीफिकेशन द ओरिजिनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट को। लेकिन अभी फर्स्ट राउंड के लिए ये चीज़ दे रखा है ओबीसी और एनसी नेट, ओबीसी जो नॉन क्रिमिनल लेयर में आते हैं, और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को शुड बी मतलब शैल बी डन प्रायर द अलॉटमेंट, अलॉटमेंट होने से पहले आपको सबमिट करना है, जिसका डेट दे रखा है फर्स्ट राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग सीट के लिए ऑन द बेसिस ऑफ इनके सर्टिफिकेट पर होगा जिनका इस रैंक में आता है, तो उनको सबमिट करना है 17/10/2020 से लेकर 22 अक्टूबर 2020 तक टिल 5 PM शाम को 5 बजे तक एम्स के वेबसाइट पर बाय द लॉग इन दियर क्रेडेंशियल, दैट मीन्स जो आपको मतलब स्टूडेंट पोर्टल आईडी मिला हो उसके द्वारा लॉगिन करके आपको सबमिट करना है। वहाँ पे नो कॉरस्पॉन्डेंट मतलब विल बी इंटायर्ड इन एनी मोड आफ्टर द क्लोजिंग डेट, अगर डेट क्लोज हो गया टाइम मतलब ख़त्म हो गया तो आप यहाँ पर ये नहीं कर सकते, और ना ही आप क्लेम कर सकते कि आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आता है जब तक सबमिट ना करें। तो ये दिया है, जो ये दिया है आपको शुड बी मतलब आपको जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना शुड बी आपको होना चाहिए 16/04 यानी 16 अप्रैल 2019 से लेके 21 अगस्त 2020 के बीच का होना चाहिए, जो मैंने पहले बता रखा था 3 महीने के अंदर का होना चाहिए। तो ये चीज़ होता था पहले मतलब पिछले साल तक, लेकिन इस साल तक लोगों को बनवाने का टाइम नहीं है, इसलिए एग्जाम डेट तक और एक साल पहले तक का मतलब टोटल टाइम दे दिया कि आपको इस बीच का आपको आपके बीच ओबीसी होना चाहिए, तो ये आपको सबमिट करना, अगर नहीं करते तो आप आपको वैलिड नहीं होगा, तो आपको अनरिजर्व में कन्वर्ट कर दीजिएगा। चौथे नंबर में जो दे रहा है कि मतलब वही जो मैंने बता रखा है तो वही वैलिड नहीं होगा, अनरिजर्व कन्वर्ट कर देगा। पाँचवें, ये सब सारे आपके काउंसलिंग से रिलेटेड है, ऑल सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग क्लेम द कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन से रिलेटेड होना चाहिए, विल बी सब्जेक्ट टू वेरीफाइड, सारे आपको डॉक्यूमेंट को वेरीफाइड करने हैं, और क्लेम करते हैं तो अगर वेरीफाइड नहीं हुआ तो आपको नहीं माना जाएगा। छठे नंबर पर एम्स दिल्ली मतलब यहाँ पर जो जितने भी इंस्टीट्यूट एम्स के वहाँ पर हर जगह मतलब फर्स्ट राउंड के लिए वहाँ पर रिलेटेड काउंसलिंग के लिए अलॉटमेंट किया जाएगा। सातवें नंबर पर दिया है कैंडिडेट अदर दैन दोज हु आर नॉट मेंशन इन दिस लिस्ट व्यूअर द रैंक एंड मार्क्स इन द वेबसाइट आफ्टर नेविगेशन थ्रू द एकेडमिक टैब यूजिंग द लॉगिन कैंडिडेट, अगर मतलब बहुत सारे बच्चे को इस लिस्ट में नहीं आया तो वो अपना कैंडिडेट लॉगिन आईडी करके वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइज मैंने काउंसलिंग से रिलेटेड आपको बहुत सारी बातें बताई, तो मेन थर्ड पॉइंट जो था कि आपको थर्ड और सेकंड पॉइंट आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको सबमिट करना है काउंसलिंग से, जो ऊपर का नोटिफिकेशन पहले मैंने दे रखा था तो वहाँ पे भी दे रखा था कि आपको कैसे नोटिफिकेशन करना है, आपको वेबसाइट पे जाना है और डेली चेकअप करते रहना, कैसे शेड्यूल से रिलेटेड काउंसलिंग से रिलेटेड सीट से रिलेटेड डेट से रिलेटेड कब किसका डेट आया तो आपको चेकआउट करते रहना, ऐसे तो मैं चेकआउट कर करके आपको नोटिफाई करते रहूँगी, लेकिन अभी आप लोग भी करते रहें ये चीज़ देखो। और कैसे आपको सबमिट करना है, आपको जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने से 17 अक्टूबर यानी कल से लेके आपको 22 अक्टूबर तक टाइमिंग है, इन टोटल 4 दिन का टाइमिंग है जो कि कल से स्टार्ट हो रहा है आपको, और अगर तो वीडियो कल अपलोड होता है यानी आज से समझ लीजिएगा 17 अक्टूबर से आपको स्टार्ट हो रहा है, 22 अक्टूबर तक टाइम है, वो भी 5 बजे, उसके बाद आप करते हैं तो आपका नहीं माना जाएगा। तो ये चीज़ है, उम्मीद है कि गाइस आपको काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी डाउट हो क्लियर होगा, और काउंसलिंग से रिलेटेड हो सेकंड काउंसलिंग थर्ड काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट आएंगे तो मैं आपको अपडेट करते रहूँगी, तो चैनल पर बने रहें और वीडियो को देखते रहें, और कोई भी काउंसलिंग से रिलेटेड डाउट होता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा, थोड़ा सा पसंद है तो वीडियो को कर ले बड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब, अपन दोस्तों के साथ भी शेयर करेगा, जो भी एग्जाम दिए हो नर्सिंग से रिलेटेड उनके लिए इन्फॉर्मेटिव समझ में आया। अगर आप मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा आई डी सभ्य मेहता जो आप साइड पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, और आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो तो बता ही दिया, और मुझे सब्सक्राइब करेगा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन प्रेस कर लें और मेरे साथ बने रहेंगे। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।